अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़िया स्टिचिंग एंड पेंटिंग। इस बेडशीट का मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, बट उसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट था और आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे अभी भी देख सकते हैं। तो आइए हम ये वाला बेडशीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लीव्स बना लेना है, और लीव्स को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है डार्क ग्रीन कलर और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है ग्रीन को और ज़्यादा डार्क करने के लिए, ताकि जो हमारे पिंक कलर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत ही प्यारा बनेगा। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमारा लीव्स बन रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस फील करते जाना है और हमारा लीव्स रेडी हो जाएगा। अब आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर को बनाने के लिए हमने पहले इसमें मॉव कलर फिल किया है, उसके बाद वाइट और मॉव कलर का स्ट्रोक दे रही हूँ। इसी मेथड से हमने सारे बर्ड्स को रेडी कर लेना है। अब ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और अब हम थोड़ा इसमें फिनिशिंग डाल देंगे, थोड़ा ग्रासेस वगैरह डाल देंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। और हमने मिड रिब को बनाने के लिए वाइट कलर में बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया है। बस वाइट ही रहेगा, थोड़ा सा ग्रीनिश आ जाना चाहिए वाइट में, और फिर हम उससे बस एक लाइन डाल देंगे और कुछ नहीं। तो ये हमारे बेडशीट का एक पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमने सारे बेडशीट्स में और पिलो कवर में बनाना है। तो ये अब हमारा बेडशीट हो चुका है रेडी। और आपको कौन सा वाला कलर ज़्यादा बेस्ट लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, एक वो ब्लू वाला या फिर ये पिंक वाला। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।